बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना वहां पर कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि, और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो, कौन कहां तक बर्दाश्त करेगा, उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का, क्यों ये लोग आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी कभी देखा कि क्या कहता उन्होंने, क्या नारे लगा रहे थे बार बार बोल, उसमें दो चार ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोलते, गलत चीज है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा, मंदिर में जाके, इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को, आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना, इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा, अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा, लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू छुरे गन वगैरह जो भी थी तलवारें थी उनके हाथ में थी, ये लोग नहीं हटते थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा था अपना बचाव तो करेंगे ही, जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे कमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे, लेकिन वो है। और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है, अपना भाईचारा कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई।